तो ये है नज़ारा। हेलो दोस्तों, रोहित कर ब्लॉग्स। और आज मैं जा रहा हूँ कहीं घूमने के लिए। एक छोटी सी राइड कर रहा हूँ, प्रॉपर गियर अप हूँ, ग्लव वगैरह लगाऊंगा और बाइक मेरी वहाँ पीछे खड़ी है और मौसम भी बड़ा अच्छा है। तो चलते हैं, मिलते हैं सीधे गोप्रो हेलमेट माउंट पे। तो चलिए निकलते हैं, मेरी बाइक रेडी है, सिर्फ पानी का बोतल लिया है। और ये राइड लगभग कितना 80-85 किलोमीटर का होने जा रहा है। तो चलिए भोलेनाथ के नाम के साथ हर हर महादेव छोटी सी राइड करते हैं। काफ़ी दिन हो गया था बाइक चलाए हुए, चलते हैं। पता नहीं कैसा रिकॉर्ड हो रहा है, अभी तो टेस्ट किया था माइक तो अच्छा रिकॉर्ड हुआ था। चलिए चलते हैं। ये छोटा सा गांव है, कस्बा है, टाटी सिल्वे, तो रांची जिला के अंतर्गत आता है। यही मेरा घर है। चलेंगे, पहले पेट्रोल लेते हैं, उसके बाद निकलते हैं। व्यू कैसा आ रहा है? सेट तो किया है अपने हिसाब से, बढ़िया ही सामने सब कुछ दिखे। चलिए देखते हैं आगे। ये रांची का रिंग रोड राइट साइड में आप देख पा रहे होंगे, दिखाता हूँ। वो रांची को, रांची शहर को पूरे चारों तरफ से कनेक्ट करेगा। आप कहीं भी जाना चाहते हो रिंग रोड पे बैठिए, बैठिए बोले तो अपनी गाड़ी में बैठिए और रांची में कहीं भी निकल जाइए। तो ऑलमोस्ट काम हो ही चुका है, कुछ कुछ जगहों पे अभी काम चल रहा है, आगे हमें मिलेगा। इस रोड को भी वो क्रॉस करता है, फ्लाई ओवर है ऊपर, देख रहे हैं आगे ब्रिज से बना हुआ है। इस रोड को क्रॉस करते हुए रिंग रोड जाता है ये। यहाँ से आप चाहें तो हजारीबाग पटना को जो रोड जाती है, यहाँ से चढ़ो और सीधे उस पर निकल जाओ शहर को काटते हुए। कोई भीड़ भाड़ नहीं, 12 साल से काम चल रहा है ये, अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन लगता है इस साल ख़त्म हो जाएगा। पेट्रोल लेते हैं यहाँ से, पीछे कोई नहीं है, नहीं है, चलिए लेते हैं। अरे यार ये तो बहुत ज़्यादा भीड़ है भाई, चलो वहीं चलते हैं सीधे, बहुत ज़्यादा भीड़ है भाई। देते देते आधा घंटा लगा देगा। अभी पेट्रोल है मेरे में, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है। तो चलिए चलते हैं, जो ना ही चलते हैं। ये आ गए हम गुंदली पोखर बाजार, छोटा सा कस्बा है लेकिन अंदर अंदर बहुत बड़े बड़े गांव हैं। और आज संडे है, यहाँ का सब्जी मार्केट लगता है, देख रहे हैं भीड़ भाड़। जब हम लौटेंगे तो यहाँ पे इतना रश रहेगा कि पार करना यहाँ से काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। चलिए चलते हैं आगे। देखो भाई रोड की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा। हर 50 मीटर पे
बुरी तरह से टूटा हुआ। जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि मैं भारतीय रेल मतलब इंडियन रेलवेज में जॉब करता हूं और आज मेरा वीक ऑफ है। सोचा एक छोटी सी राइड करके आता हूं। इस रोड पे मैं वीक में 3-4 दिन तो कम से कम जाता ही हूं, अक्सर जाता हूं। तो अभी लेकिन आज राइड के मूड में जा रहा हूं और पीछे का नंबर प्लेट मेरा थोड़ा थोड़ा आवाज़ कर रहा है। एक्चुअली मैंने टेल टीडी लगाया है लेकिन उसके नीचे जो एक रबड़ का नंबर प्लेट के नीचे रहता है वो नहीं था मेरे पास, तो हल्का सा वाइब्रेशन उसमें है। तो अभी टाउन जाऊँगा ले लूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अब हम आ गए अनगढ़ा, 10 किलोमीटर आ चुके हैं। अभी एक छोटा सा ब्रेक लिया था चेक करने के लिए कि कैसा आ रहा है व्यू और साउंड रिकॉर्ड हो रहा है नहीं है। तो साउंड तो रिकॉर्ड हो रहा है, व्यू भी ठीक ठाक ही आ रहा है, लेकिन अभी सुधार की गुंजाइश है इसमें। तो चले देखो भाई, दिलकश नजारे। दूर दूर में पहाड़ियां दिख रही हैं, पता नहीं कैमरे में दिख रहा है नहीं दिख रहा। उधर ही हम लोगों को जाना है। यहाँ पर एक बहुत पुराना अंग्रेजों का बनाया हुआ बिल्डिंग है, चलें क्या? चलते हैं एक बार और ऐसे करके जाके वहाँ से टर्न घूम जाएंगे सिर्फ आपको जस्ट दिखा करके। ये आगे में ही है, बगल में ही है, पहले गया हूँ मैं, वो देख पा रहे हैं रेड कलर का। ये ऑफिस हुआ करता था अंग्रेजों के समय। ये इतने इंटीरियर में समय तो कुछ भी नहीं होगा। अभी ये क्या लिखा हुआ है, रूलर टेक्नोलॉजी पार्क। ये है, ये अंग्रेजों का बनाया हुआ है। तो वापस घूमते हैं, इधर भी बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन जहाँ के लिए निकला हूँ आज वहीं चलूँगा। चलिए चलते हैं यहाँ से। ये आ गए हम जुमहा और ये देख रहे हैं इस जगह का नाम है अमरूद बगान। अमरूद बगान इसलिए कि यहाँ पहले अमरूद का बहुत बड़ा बड़ा बाग हुआ करता था। अभी जितने अमरूद वगैरह आप देख रहे हैं ये सब यहाँ का कोई भी नहीं है, तो बाहर से खरीद के ला के बेचते हैं और ये रास्ते में जो जलते हैं हमारे जैसे लोग तो लगता है यहीं पे होता है। नाम भी अमरूद बागान है, ये बागान है लेकिन मतलब मामूली सा है, यहाँ का नहीं है भाई। विदेश में गैस स्टेशन बोलते हैं,
पेट्रोल स्टेशन का नाम पेट्रोल पंप क्यों है? यहाँ तो डीजल भी मिलता है, डीजल पंप होना चाहिए। पेट्रोल लेते हैं और चलते हैं। क्या प्राइस है? 98.45। अभी तो कम हो गया है, 110-11 रुपए हो गया था। पेट्रोल लेते हैं और निकलते हैं। ले लिया पेट्रोल 500 रुपए का, 5 लीटर तकरीबन पेट्रोल था मेरी गाड़ी में, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन इसको मैं ज़्यादा चलाता नहीं हूँ, तो जब भी निकलता हूँ तो सुलभ करा ही देता हूँ। ठीक था, कभी इमरजेंसी में अगर ज़रूरत पड़े, जनरली मैं स्कूटी ही चलाता हूँ। फाइनली आ गया हूँ उस रास्ते पे। गलती से दूसरे रास्ते पे घुस गया था, गड़बड़ा गया था। भाई जबरदस्त चढ़ाई है, चलिए कुछ दूर चलते हैं, देखते हैं क्या कंडीशन है। जबरदस्त चढ़ाई है, चढ़ाई है, लेकिन खुशी की बात यह है कि रोड ठीक ठाक बना हुआ है। अरे वाह, जबरदस्त रोड है भाई। बहुत बढ़िया रोड है, बहुत बढ़िया बढ़िया। अरे कंटिन्यू चढ़ाई है, अरे गजब, अरे गजब। कोई और है वो, एकदम पहाड़ के टॉप पे आ गए। कितनी दूर तक रास्ता है ये मुझे बताया है, उनको भी नहीं पता। चलिए देखते हैं क्या बात है। अरे वाह 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 वाह, हाई स्टीप प्लस कर्व दोनों अवेलेबल है। ओहो भाई, मेरी ब्लू बीच जो है ये तो अकाधक टान ले रही है, खींच ले रही है, लेकिन एक नॉर्मल सी गाड़ी लाऊं मैं तो दिक्कत होगी, लेकिन रोड अच्छा है इसलिए चढ़ जाएगा। अच्छा खासा हाइट है भाई। अरे वाह, ये चालू ही है चढ़ाई, खत्म ही नहीं हो रहा चढ़ाई। यही लास्ट है। ओ भाई अभी और है,
ये एक पहाड़ पार किया। ओ भाई गाँव वाला मुर्गा लेके आ रहा, मुर्गा देसी, ये शायद लास्ट होगा। नहीं भाई, हाँ हाँ ये उतर रहे इस पहाड़ से। ओ, 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 ओ। अरे वाह क्या घाटी है, यहाँ रोकते। वो देखिए घाटी के बीच में इधर कोई आता नहीं है, जबकि आने लायक जगह तो है। ओहो एक दो फोटो लेता हूँ, फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो ये है नज़ारा, और इसके आगे भी रोड है लेकिन फिर कभी चलेंगे। तो यही था आज का वीडियो, पीछे आप देख लीजिए घाटी है, जाने का मन है लेकिन मेरे GoPro का बैटरी भी डाउन हो गया है। तो आगे जाऊंगा, देखूंगा, लेकिन मैं वीडियो ऐसा ट्राई तो ज़रूर करूंगा, रिकॉर्ड हो जाए कुछ और। चलिए आगे चलते हैं। वीडियो एंड नहीं हुआ है, उससे काफ़ी आगे आ चुका हूँ मैं, और एकदम अनछुआ जंगल टाइप दिख रहा है, और रोड बना हुआ है भाई, अंदर घर भी दिख रहा है। और ये छोटा कोई गांव है, देखिए कितना मस्त नज़ारा है यहाँ पे। और ये रोड आखिर जाता कहाँ है, मतलब ये ऐसा रोड है कि एक बंदा नहीं दिख रहा है, एक मुर्गे वाले को छोड़ दिया जाएगा, पे कोई बंदा नहीं है। देखता है, देखते हैं कोई मिलता है तो बात करते हैं कि आखिर ये रोड जाता कहाँ तक है। आदमी है, घूमने निकल गए। हाँ इधर से आए थे, अभी इधर से अब जाएंगे। तो भाई ये निकल पड़ा हूँ मैं, वहाँ से एक ऊपर से एक और रास्ता है, उससे मैं पहुँच जाऊँगा सीधे जोन्हा। तो मैं जो मेन रोड पकड़ के इधर आया था, अब मैं डायरेक्ट निकलूँगा जोन्हा, और ऐसा ही रास्ता होने वाला है। चलिए फुल ऑफ राइड है ये, लेकिन जगह बहुत ज़बरदस्त है, इधर ज़्यादा लोग आते नहीं हैं इसलिए भी शायद मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है। जंगलों से बीच से निकलते हुए, जंगलों के बीच से एकदम सुनसान, और इधर डर भी लगता है, लेकिन इंसानों से ज़्यादा, सॉरी जानवरों से ज़्यादा इंसानों से डर लगता है। लेकिन कोई ना, एक रास्ता है भाई, इसको कभी एक्सप्लोर
करेंगे, आएंगे कभी इधर। गाँव की सीधी सादी जिंदगी, मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे शांत जगहों पे रहना, अकेले रहना। लद्दाख का वाटर क्रॉसिंग, अगर आपने मेरा पिछला सीरीज़ नहीं देखा है लद्दाख का तो प्लेलिस्ट में जा कर के देखिए। अपनी बुलबुल ऑल्टो के साथ गया था। ओ हो 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 हो, ये देखो, ये आ गया मेन रोड पे। अच्छा 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 जी, तो बढ़िया है गुरु, ये रास्ता है गुरु। तो अब मैं आ गया हूँ मेन रोड पे, जहाँ पे टैक्सी से गए थे। राइड की तैयारी, छोटी मोटी राइड कर रहा हूँ, प्रैक्टिस हो जाए।